हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित जायसवाल है। मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। अभी मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में हूँ। मेरे साथ कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। बट फर्स्ट मैं चाहूँगा कि अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दे कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ से है। गोविंद शुक्ला, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेरा नाम अब्दुल अजीज आसान, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। माय नेम इज शिवम पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। माय नेम इज धीरज कुमार शर्मा फ्रॉम राजस्थान। ओके, सो मैं इनसे एक एक करके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसके बारे में ये कुछ बताएंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज में हमारी पढ़ाई होगी। इंग्लिश में होगी, लोकल लैंग्वेज में होगी, तो कौन बताना चाहेगा कि एज इन यहाँ पे क्या लैंग्वेज है, कैसे आपकी पढ़ाई होती है? यहाँ पे सर इंग्लिश में 6 साल पढ़ाई होती है। okay. और लोकल लैंग्वेज सिखाया जाता है हमको किर्गिज, रशियन, जो हमें मार्केट में काम दें। बाहर लोग जानते नहीं इंग्लिश ज्यादातर, तो हमें उसके लिए सिखाया जाता है। 1 साल की पढ़ाई उसके लिए हमें की जाती है कि okay. बाहर हमें सामान खरीदने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कितना टफ है जो आप लोकल लैंग्वेज लर्न करोगे, क्योंकि आपने जैसे बताया आपकी पढ़ाई तो सारी इंग्लिश में है लेकिन लोकल लैंग्वेज आपको कराना है, तो कितना टफ है? एज इन आपको बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट अपना पढ़ाई को छोड़ के लैंग्वेज लर्न करना पड़ता है? इसको जीरो लेवल से सिखाया जाता है हमें, और इसको ज्यादा परेशानी नहीं होती सीखने में, और बकायदा क्लासे भी ली जाती है हमारी यहाँ पर 1 साल तक। काफी फ्रेंडली तरीके से सिखा जाते हैं, जैसे इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं पीपल से, अपन कैसे लोकल से इंटरेक्ट करेंगे, जैसे उनको भी इजी वे में हमारी बातें समझने में आए और उनकी बातें हमें इजी वे में समझने आए। तो ये इजी वे में आपको फ्रेंडली तरीके से सिखाया जाता है, ना कि ताकि प्रेशर नहीं दे, आपको पूरी तरीके से टाइम दिया जाएगा कि आप हाँ कुछ वक्त लें, ये बात बोलें, आप कैसे उनको उनसे अपना इंट्रोडक्शन लें और अपना कैसे उन्हें इंट्रोडक्शन लें और अपनी बात कैसे समझाएं, तो ये समझाया जाता है। फर्स्ट टाइम फेस करते हैं नए लैंग्वेज को, कोई भी वो जब नए लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम फेस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने देखा है कि आपके जो सीनियर्स वगैरह है काफी हेल्पफुल है। जी जी, तो फर्स्ट ईयर जब तक आपको लैंग्वेज कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं होता तो काफी सीनियर्स हैं जो आपके वो हेल्प करते हैं। बिल्कुल, कोऑपरेटिव है, हमेशा हम लोग साथ रहते हैं, कोई ना कोई एक सीनियर जाता ही जाता है बाहर हम लोग साथ जब कोई काम होता है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर एशियन मेडिकल ही क्यों एमबीबीएस के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि ये एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, प्लस डब्ल्यूएचएसओ भी रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो यहाँ पे फिर मैं यही मानूं कि जो आपको सीनियर्स भी इतना हेल्प करते हैं तो लैंग्वेज का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एंड 6 इयर्स आपकी जो भी स्टडीज है इंग्लिश में है। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पे आपका हॉस्टल लाइफ है, जी जी, एक कॉलेज के कैंपस के अंदर ही आपका हॉस्टल है, सब कुछ कैंपस के अंदर, सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज हॉस्टल है, तो आप लोगों का हॉस्टल लाइफ कैसे है? जी, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि काफी बेहतर है। यहाँ की जो एकोमोडेशन है, यहाँ के गर्ल्स सेपरेट है हॉस्टल्स, बॉयज के सेपरेट है हॉस्टल। आप बॉयज हॉस्टल में देखेंगे कि स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, सेपरेट सेपरेट सारे बाथरूम्स है, काफी सारे काफी क्लीन रहते हैं, हाइजीन यहाँ लोग मेंटेन रखते हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ भी हॉस्टल्स में पूरी तरीके से हाइजीन मेंटेन रखी जाती है, ऐसी कोई असुविधा नहीं होनी जाती जैसे लोग सोचते हैं कि हम अपने देश से बाहर जा रहे हैं तो शायद हमें अपने देश जैसी सुविधा ना मिले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पे सारी सुविधा जबकि बेहतर तरीके से दी जाती है, जैसा लोग सोचते हैं उससे बेहतर तरीके से दी जाती है। यहाँ कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, पूरी तरीके से सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि सीसीटीवी है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी। वार्डन है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो ऐसे गर्ल्स को भी पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, एज वेल एज बॉय को भी दी जाती है, तो हॉस्टल लाइफ यहाँ की बढ़िया सिक्योर्ड है। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा हॉस्टल लाइफ के बारे में कि जैसे आप यहाँ रह रहे हो जी, ओके, तो आपको विद इन द रूम आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है जब आप यहाँ पे आ रहे हो? फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, क्या आपको रूम में फैसिलिटीज मिल रही है? सर एक रूम में 3 लोग रहते हैं। ओके, रूम बहुत अच्छा मिलता है हम लोग को, अलमारी बेड सब कुछ नया नया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती हम लोग को। ओके, तो आपको स्पेशियस रूम मिलते हैं? यस सर, स्पेशियस रूम मिलते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिलता है, शांति रहती है हॉस्टल में। ओके ओके, तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि आपका हॉस्टल लाइफ भी अच्छा है, तो हॉस्टल है, तो मैंने देखा है कि विद इन द कैंपस आपका कैंटीन भी है। जी, तो कैंटीन में आपको कैसा फूड प्रोवाइड होता है? सर जी बिल्कुल इंडियन फूड, घर जैसा खाना, घर से दूर घर जैसा खाना अपन कहते हैं, सेम फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। इंडियन मेस है, इंडियन कुक है, आपको सबसे बड़ी बात कि इंडियन कुक है यहाँ पे जो कि आपको इंडियन जैसा खाना देगा, और इंडियन मसाले जो कि इंडिया से आते हैं तो वही स्वाद जो कि इंडिया में मिलता है वो यहाँ मिलेगा, काफी फ्रेश खाना, हाइजीन वाला खाना और बढ़िया खाना, 3 टाइम मिलता है सर, 3 टाइम आपको खाना जी, खाने में सर दिक्कत नहीं। न्यूट्रिशनल फूड अच्छा, ब्रेकफास्ट डेली चेंज होता है, ब्रेकफास्ट लंच भी अच्छा, डिनर भी अच्छा, और चेंज चेंज होकर मिलता है, टेस्टी मिलता है, न्यूट्रिशनल होता है और हाइजीनिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड सर बदल बदल के खाना मिलता है, जो आपका मेन्यू होता है वो चेंज होता है? जरूर, डेली चेंज। ओके, एंड
काफी ये क्वेश्चन भी होते हैं कि वेज फूड भी है, काफी लोग नॉनवेज भी प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे नॉनवेज फूड का कैसे होता है? नॉनवेज जो खाना चाहे नॉनवेज खा सकता है, वेज खाना चाहे वीकली नॉनवेज भी है, वीकली वेज भी है, तो ऐसा जिस दिन नॉनवेज रहता है तो नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज भी बनता है, वेज वालों के लिए वेज भी बनता है, जी दोनों सुविधा दी जाती है। इवन सेटिंग प्लान भी अलग अलग होता है, जिसको कभी ऐसा भी होता है ना हेजिटेट करते हैं कि नॉनवेज के साथ कैसे खाएंगे बैठ के, तो उनके लिए सेटिंग प्लानिंग जो होती है वो दूसरी तरीके से होती है, दूसरी तरफ होती है, और वेज वालों में दूसरी तरफ, नॉन वेज वाले दूसरी तरफ। कॉलेज आपको काफी स्टूडेंट फ्रेंडली वे में ट्रीट करते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको इतना दूर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक और क्वेश्चन होता है जो काफी पेरेंट्स पूछते हैं, ओके, कि यहाँ के जो लोकल्स कैसे हैं, कि आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो, किर्गिस्तान जा रहे हो, तो आपको परेशान करेंगे, पीसफुल कंट्री नहीं है। बात लोकल की नहीं है सर, बात है जो हम यहाँ से भी कोई अगर जाता है किर्गिस्तान से कोई इंडिया चला जाए तो कुछ ऐसे होते हैं, एजुकेशन और नॉन एजुकेशन पर्सन इसमें डिपेंड करता है। यहाँ भी कुछ ऐसे हैं जो अन एजुकेशन हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बट बाकी एजुकेशन पर्सन है, कभी अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपने जो लोकल्स के साथ इंटरेक्ट भी किया है? हाँ बिल्कुल, अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा, ट्रीट भी अच्छा। हम लोग तो इंडिया से हैं सर जी, तो अपना तो काम यही है कि सबसे प्रेम व्यवहार से बना रहे, तो जब हम प्रेम व्यवहार देंगे तो वापस भी तो पलट के प्रेम व्यवहार ही आएगा। कुछ लोगों का सोचना है कि इंडिया से यहाँ का वेदर सेम नहीं है, तो यहाँ हॉस्टल में हमको जैसे रूम हीटर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके लिए टेम्परेचर मेंटेन कर सके। हाँ, जैसे मैंने भी यहाँ नोटिस किया है कि इवन तो यहाँ स्नोफॉल होती है, लेकिन अगर आप एक बार हॉस्टल में आ गए या फिर आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर आ गए हो, सेंट्रली हीटेड है आपको, जैसे मैं बैठा हूँ जस्ट विद अ शर्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन हॉस्टल आप टी शर्ट में भी घूम सकते हैं, ऐसी कंडीशन है क्योंकि सब कुछ प्रोवाइड है, मैट, डोरमैट एंड हीटर सब कुछ प्रॉपर वे में मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे मैंने आपसे हॉस्टल के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे हॉट वाटर प्रोवाइड होता है आपको? सर हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों प्रोवाइड होता है सर, आप 24/7। हॉस्टल आज है सब पर सर $300 $300 में आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट आई थिंक। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि क्या आप किसी और को रिकमेंड करोगे कि वो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? यस सर, ऑफ कोर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।